देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिनी एक्जोरा के बारे में बताऊंगी। देखिए कितना सुंदर और गुच्छों में आने वाला प्लांट है। देखिए कितना सुंदर, इसके कई कलर आते हैं, वाइट, पिंक, ऑरेंज, येलो। मेरे पास इसका येलो कलर है और आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा जब सर्दियों का मौसम आता है ना, तभी इस पर फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाती है। और देखिए बहुत अच्छा लगता है ना, गुच्छों में इतना अलग ही इसका आकर्षण होता है। और इसके देख रेख की बात करूं तो बहुत इजी है। आप इसको सादा खाद जो देते हैं वो देते रहिएगा और बस बीच बीच में गुड़ाई करते रहिएगा। देखिए जब गर्मियां होती है ना, तो थोड़ा सा इस पर फ्लावरिंग और पत्ते आने कम स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, सर्दियों में इसके फ्लावर आते हैं और गर्मी जैसे जैसे रेनी सीजन होता है, तो इसमें पत्ते स्टार्ट हो जाते हैं। हमें जब लगता है कि ये डोरमेंसी में चला गया, तो कुछ लोग इसको उखाड़ देते हैं। हमें बिल्कुल भी नहीं उखाड़ना है, हमें पेशेंस से काम लेना है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना एक्जोरा तो। और अभी भी आप देख सकते हैं कि इसमें बडिंग स्टार्ट है और इसको कटिंग के द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, और इसमें ज़्यादा पानी से ये प्लांट गल जाता है, तो आपको इसमें पानी ज़्यादा नहीं देना है। ये इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादा पानी ना दें, क्योंकि पानी से प्लांट्स मोस्टली ख़राब हो जाते हैं। कोई भी प्लांट हो, हम कहते हैं कि हमारा प्लांट्स ख़राब हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स में कुछ हम कमी कर देते हैं जिसके कारण हमारा प्लांट्स ख़राब होता है। तो कमी क्या होती है? कमी सिर्फ यही होती है कि हम उसमें ओवर वाटरिंग कर देते हैं। ओवर वाटरिंग के कारण ही हमारी जो जड़ें होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो देखिए अगर आपको इसी तरह के इसके बहुत सुंदर सुंदर कलर हैं, आप सभी लगा सकते हो। लाइन से लगाएंगे तो बहुत सुंदर इसका कलेक्शन होगा। देखिए हो सकता हो शायद मौसम चेंज होने के बाद हमारे यहाँ जब प्लांट्स बिकने आएंगे ना, तो शायद मैं एक आध इसका कलर ले लूँ। बहुत सुंदर कलर। तो फ्रेंड्स आप भी इस कलर को ज़रूर लगाइएगा। और देखिए मैंने, पता है आप शॉक्ड हो जाएंगे कि ये मैंने ओनली 30 रुपीज़ का लिया हुआ है, 30 रुपीज़ का लिया है, और आप देखिए कितना अच्छा ब्लूम हो रहा है ना। तो अगर आप भी शौकीन हैं कि हमारे गार्डन में फ्लावरिंग वाले प्लांट हों और गुच्छों से आए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप एक्जोरा को बिल्कुल ऐड कीजिएगा। और ये एक बात और बताऊं कि इसका फ्लावर जो है ना, कम से कम 6 से 7 दिन तक रहता है और बिल्कुल भी कलर फेड नहीं होता। जैसे बहुत से प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं, 2 या 3 दिन के बाद ना कलर फेड हो जाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं होता। और आप देखिएगा, है ना। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और देखिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स।